मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डन एडिशन बाय टू फिगर्स एंड थ्री फिगर्स विद कैरी ओवर. एंड टुडेस टॉपिक इज एड द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन. एड द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन वी हैव ऑलरेडी डन. हम पहले भी कर चुके हैं, फिर हम कर रहे हैं, देखिए कैसे करना है. लेकिन इसमें आप क्या कैरी ओवर का है तो हम देखिए 38 एंड 55 इसको हमें एक्सपेंडेड करना है. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंड करना. ठीक है, देखिए अभी मैं समझाती हूँ. आई विल एक्सप्लेन. 38 प्लस 55 हमें इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? पहले हम 38 को एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? 38. क्या बोला हमने इसको? 38. इट मीन्स हम इसको यहाँ लिखेंगे 30 प्लस 8. ओके, एंड ये 55. क्या बोला हमने? 55. हम इसको क्या लिख रहे हैं? 50 प्लस 5. आया समझ में? जैसे हम बोल रहे हैं वही हमें यहाँ पे लिखना है. 38 का क्या लिखा? 30 प्लस 8. 55 का 50 प्लस 5. नेक्स्ट राउंड में क्या करना है? इनको ऐड करेंगे. अब देखिए 8 प्लस 5 कितने होते हैं? 8 प्लस 5 13. हमने यहाँ इसको 13 लिख दिया एंड इनको ऐड करेंगे 0. 3 प्लस 5 8. देखिए इसमें हमने क्या क्या था? 38 में 30 प्लस 8 इसमें मतलब क्या हुआ? 30 मीन्स 3 टेंस. 30 में कितने टेंस हैं? 3 टेंस. हम वो लिखते हैं ना प्लेस वैल्यू. जब एडिशन हमने अभी किए थे यस्टरडे तो हमने क्या किया था? पहले हमने प्लेस वैल्यू लिखा HTO, वही इसमें है. अब इसमें हमारा टेंस कितने हैं? इसमें 30 में कितने टेंस हो गए? 3 टेंस. 30 है तो कितने होंगे? 10 10 प्लस 10 प्लस 10. यही तो बोला 30 में तो क्या होगा? कितने टेंस हो गए? 1 2 3. इसलिए हमने अब देखेंगे हम इसमें यूज करेंगे 30 प्लस 8. और 8 क्या है? 1s. ये है 1s और ये है 10s. तो देखिए इसमें आया ऐसे 55 में 50 प्लस 5. 50 में कितने टेंस हो गए? 5 टेंस. इसमें 1s कितने हैं? 5. यस, नाउ वी विल ऐड 8 प्लस 5 13 एंड यहाँ 30 प्लस 50 80. नेक्स्ट भी अब हमें क्या करना है इसमें? आप देखिए 13 में कितने 8 प्लस 5 में 13 किया तो 13 में कितने होंगे टेंस? 1 टेन है. 13 का क्या है? 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 3 लिख सकते हैं ना. इसमें क्या हुआ? 3 हो गया 1s और ये जो 10 होती थी 10 इधर आ जाएगा, इसमें आएगा 10s प्लेस से आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको डेसिमल लिखते हैं हमने 80 प्लस. अब 13 को हम क्या लिखें? 10 प्लस 3. ओके, 13 को क्या लिखा हमने? 10 प्लस 3. अब देखिए जैसे ये 10 प्लस 3 हुआ तो हम क्या करेंगे? ये तो 1 स्पेस पे आ गया और ये 10 होते ये 10 स्पेस पे आ जाएगा. कहाँ आ जाएगा? 10 स्पेस पे. तो आप देखिए अब हम इसको ऐड करें 3 और 80 प्लस 10 कितने हो गए? 90 हो ना. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 3 93. आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन. देखिए फिर से हम करते हैं 38 एंड 55. अब इसको हमने वाले क्वेश्चन लिखा 38 प्लस 55. अब देखिए 38 को हमने एक्सपेंड किया, हम क्या बोल रहे हैं? 38 हमने लिखा 30 प्लस 8. 55 को क्या बोला हमने? 50 प्लस 5. ओके, नाउ वी विल ऐड टोटल क्या हमें? तो देखिए क्या आएगा? 8 प्लस 5 कितने हो गए? 13 हो गए और ये 0 और 5 प्लस 3 8 हो गया. यहाँ पे 80 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया. ये क्या है? 1 स्पेस है और ये 10 स्पेस था. आप देखिए जब हम यहाँ पे 13 हुआ, 13 मतलब 9 से ज्यादा होते ही हम इसको फिर 10 में कैरी ओवर कर देते हैं. तो हमें 13 जब हुआ तो हमने क्या लिखा इसको? 10 प्लस 3. 10 प्लस 3 हम
हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, 13 को भी एक्सपेंड कर दिया, 80 है, 13 को एक्सपेंड किया, 10 प्लस 3, अब 3 हो गया 1 स्पेस नंबर, और ये 10 ये कहाँ आ गया, 80 में कैरी ओवर हो जाएगा, तो 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 3 93, तो आंसर इज 38 प्लस 55 इज इक्वल 93, ओके। This next question is exercise 1. Add using any method. Add using any method. इसमें आपका exercise 1 है और इसमें यही page number आपका वही 51 में, page number 51 में है ये exercise 1 and exercise 2. Now we will do add using any method. We will do add using any method. आपको addition दिए गए हैं book में, ये देखिए इसमें इस तरह से, तो आपको कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, और तो आप देखिए इसमें हम कर रहे हैं सिंपल जो हम करते हैं वही एडिशन का यूज कर रहे हैं, और उसके तो आप भी यही यूज करना, ये भी मेथड आपका आगे भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वी विल राइट टी ओ, ऑलवेज रिमेम्बर विषय याद रखना, पहले टी ओ लिखना है, प्लेसमेंट में जरूर लिखिए, फिर उसके बाद वन लाइन ब्लैंक, वन लाइन छोड़नी है आपको, फिर उसके बाद में नंबर लिखेंगे 67 36। आप देखिए 67 प्लस 6 कितने होते हैं 13। अब देखिए 13 जो यहाँ पे हुआ, हमने यहाँ पे किया था तो क्या था 13 होते, ये तो 1 स्पेस का नंबर है और 10 स्पेस का नंबर 1 कैरी ओवर हो जाएगा, और 6 प्लस 1 10 में ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्लस 9 कितने होते हैं 15। फिर भाई 15 में देखिए ये 1 स्पेस का नंबर है और ये 10 स्पेस का नंबर है, तो 1 स्पेस का नंबर 1 के नीचे आएगा और 10 स्पेस का नंबर ऊपर, 10 में कैरी ओवर हो जाएगा और वो यहाँ ऐड होगा, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 प्लस 59 9 प्लस 9 कितने होते हैं 18, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 18। फिर वही अब देखिए इसमें 1 स्पेस का नंबर कौन सा है 8 और 10 स्पेस का नंबर 1, वो 1 स्पेस का नंबर 1 स्पेस के नीचे लिखेंगे और 10 स्पेस का नंबर कैरी ओवर और 10 स्पेस, अब इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, क्वेश्चन डी 35 प्लस 37, 5 प्लस 7 इज 12, 5 प्लस 7 क्या होता है 12। अब वही 1 स्पेस का नंबर क्या है इसमें 2 एंड 1 स्पेस 10 स्पेस का नंबर 1 कैरी ओवर इन 10 स्पेस एंड वी विल ऐड इन 10 स्पेस 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 2, इसमें भी आपको वही मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये तो हमने ब्रिड में यूज किया था, अब हम इसको मेथड से यूज करेंगे वही हमें, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम ये लिख देते हैं टेंस बस टेंस बस, ओके। फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखिए अब हम बस के नंबर को यहाँ पे भी हम टेंस और बस लिख देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा, टेंस वंस टेंस वन टेंस वन टेंस वंस, अभी देखिए आप देखिए अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस कर हमेशा ध्यान रखना, हम स्टार्टिंग एडिशन भी कम से करते हैं, वंस प्लेस से करेंगे और उसके बाद में फिर टेंस प्लेस। अब देखिए वंस प्लेस का नंबर यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 5, तो 8 प्लस 5 कितने हो गए 13, कितने हो गए 30। अब 30 होते ही वही मेथड हमने कभी किया, तो 1 स्पेस का नंबर क्या है इसमें 3 और 1 क्या है 10 स्पेस का नंबर है, तो हम इसको ये 10 1 स्पेस में 3 को लिख दिया और 1 को हमने कैरी ओवर इसमें कर देंगे। तो देखिए 3 10 के नंबर क्या है 3 प्लस 2 कितने हो गए 5 और 1 कैरी ओवर नंबर था तो क्या हो गया ये 6, ओके 60
करते हैं, देखो 10 प्लस में यहां पे क्या है, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, 3 प्लस 1 4, कितने हो गए 4। आई विल रिपीट अगेन, देखिए 16 प्लस 25, पहले हम लिख दें 10s 1s 10s 1s 10s 1, 1s प्लस के नंबर क्या आना है 6, 6, 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, तो हमने पहले हम इसको पूरा 12 लिख लिया। अब इसमें 12 में 1s प्लस का नंबर क्या है 2, और 1 क्या है 10s प्लस का नंबर, तो अभी हम इसको 10s प्लस के नंबर ऐड करके तो उसमें कैरी ओवर इसको कर लेंगे। तो देखिए 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, 3 प्लस 1, इस 1 को हमने 10 से ऐड कर दिया, क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 प्लस 8। अब देखिए इसमें हमने इसमें तो 29 में तो 10s और 1s लिख दिया, लेकिन 8 में हम क्या लिखें, 8 वन डिजिट का नंबर है, तो क्या हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी ऐसे नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक वन डिजिट के नंबर होते हैं, तो उसको हम हमेशा 1s प्लेस पर लिखते हैं, क्या 1s प्लेस पे लिखेंगे हमेशा, ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो आप देखो 1s प्लेस का नंबर क्या 8 और यहाँ पे 9, 8 प्लस 9 कितने हो गए 17, हमने 17 लिख दिया। ठीक है, आप देखिए इसमें 1s प्लेस का नंबर कौन सा 17 में 7, और 1 क्या है 10s प्लेस का नंबर, तो 1 10s प्लेस का नंबर, इसमें 10s प्लेस में हम कैरी ओवर करेंगे। यहाँ पे क्या है 2, इसमें 10s का नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है ओनली 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वी विल राइट टी ओ टी ओ एंड टी ओ, हाँ वी विल ऐड, फर्स्ट वी विल ऐड 1s प्लेस नंबर 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितने हो गए 11, सो वी विल राइट 11, 11 हो गया। अब इसमें 1 को हो गया आपका इसमें 1s प्लेस का नंबर, और ये 1 कहाँ है 10s प्लेस का नंबर, इसको हम 10s में कैरी ओवर करेंगे। अब 10s के नंबर क्या है यहाँ पे 2 5, 2 प्लस 5 प्लस 1, 2 प्लस 5 प्लस 1, 2 प्लस 5 कितने हो गए 7, 7 प्लस 1 8। ओके, आई विल रिपीट अगेन, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए वापस से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, 67 प्लस 26, तो 7 प्लस 6 कितने हो गए 13, 13 में 3 1s प्लेस का नंबर था, 1 10s का, तो 10s को इसमें 10s के नंबर पे कैरी ओवर किया और उसमें ऐड किया 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 9 15, 5 1 10s का नंबर हुआ, 1 12 के हमने इस पे कैरी ओवर कर दिया और उसमें हमने ऐड किया, इसीलिए इसमें ये हुआ है। और इसमें on my WhatsApp number. Okay, thank you.